नमस्कार। COVID-19 परिस्थितिर मुकाबला करिबा पई कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाखी प्रसाद दास सरंकर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यमरे ओडिसार छात्र छात्री मानक पई झोरियासिथिबा CBCS पाठ्यखसटा संबलित प्रश्न उत्तर कार्यक्रमर उपस्थापनारे मु मिस प्रगति आपण मानकु स्वागत जणाउछि। प्रारंभिक मध्ययुगरे कृषिजात पदार्थर बलका उत्पादन और विनिमय माध्यम गुड़िकर सरलीकरण जो भारतीय वाणिज्यिक व्यवस्था जो नूतन युगर सूत्रपात होला ताहा भारतीय अर्थनीति पाई किभली समृद्धिर पथ उन्मुक्त करिथिला एवं भारतीय वाणिज्यिक व्यवस्था किभली विदेश माटी ख्याति अर्जन करिथिला से संपर्क में आज प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक, प्रारंभिक मध्ययुगरे आविर्भाव होइथिबा निक्षेप गणिक गोष्ठी केउ अंचलर थिबा जणा जाय। उत्तर, पश्चिम भारत अंचलर। प्रश्न दुई, भारतर केउ अंचल प्रारंभिक मध्ययुगरे सामुद्रिक वाणिज्य पई विशेष समृद्ध होइथिला। उत्तर, पश्चिमांचल। प्रश्न तीन, केउ कारण जगु प्रारंभिक मध्ययुगरे गुजरात अंचल वाणिज्य पई प्रसिद्धि अर्जन करिथिला। उत्तर, एहि अंचलटि मुख्यतः भारतर विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्र सहर एवं उत्तर भारतर समृद्ध बजार सुप्रसिद्ध वाणिज्यिक सुगम पथगुड़िक सह संपृक्त होइथिबा कारणरु। प्रश्न चारि, भारतर पश्चिमांचलरे प्रारंभिक मध्ययुगरे केउ वाणिज्यर गुरुत्व वृद्धि पाइथिला। उत्तर, आंतः आंचलिक वाणिज्यर गुरुत्व। प्रश्न पांच, प्रारंभिक मध्ययुगरे मोधा रूपे काहाकु संबोधित करा जाउथिला। उत्तर, मोधेरा व्यवसायी मानंकु। प्रश्न छ, प्रारंभिक मध्ययुगरे श्रीमाली रूपे काहाकु संबोधित करा जाउथिला। उत्तर, श्रीमाला मानंकु। प्रश्न सात, प्रारंभिक मध्ययुगरे पालीवाला रूपे काहाकु संबोधित करा जाउथिला। उत्तर, पटली। प्रश्न आठ, प्रारंभिक मध्ययुगरे ओशाई रूपे काहाकु संबोधित करा जाउथिला। उत्तर, ओसिया व्यवसायी मानंकु। प्रश्न नौ, मारवारे बणिक गोष्ठी कहिले कौन बुझ। उत्तर, सामूहिक भावरे मोधा श्रीमाली पालीवाला ओसवाई प्रभृति बणिक गोष्ठी को मारवारी बणिक गोष्ठी कहा जाउथिला। प्रश्न दस, केउं कारण जोगु मोधा श्रीमाली पालीवाला ओसवाई बणिक गोष्ठी को मारवारी बणिक गोष्ठी बोली कहा जाउथिला। उत्तर, एही बणिक गोष्ठी गुड़िक मारवार अंचलर उत्पत्ति लाभ करिथिबा कारणरु। प्रश्न एगार, प्रारंभिक मध्ययुगरे साधारण स्थिति को नहीं प्रसिद्धि लाभ करिथिबा दुईटी बणिक गोष्ठी को उदाहरण दियो। उत्तर, श्रेष्ठी और सार्थवाह। प्रश्न बार, प्रारंभिक मध्ययुगरे प्रसिद्धि लाभ करिथिबा श्रेष्ठी कहिले कौन बुझ। उत्तर, श्रेष्ठी जणी वित्तशाली पाइकारी बणिक थिले। प्रश्न तेर, प्रारंभिक मध्ययुगरे श्रेष्ठी केउं कार्य संपादन करुथिले। उत्तर, से खुचुरा व्यवसायी तथा व्यवसायिक मध्यस्थ मानक मध्यरे निजर व्यवसाय कार्य संपादन करुथिले। प्रश्न चौद, प्रारंभिक मध्ययुगरे श्रेष्ठींकर अतिरिक्त कार्य गुड़िक मध्यरे केउं गुड़िक मुख्य थिला। उत्तर, क्षुद्र व्यवसायी को पण्य द्रव्य प्रदान करुथिले, अर्थ ऋण प्रदान करुथिले और ब्यांक अधिकारी को कार्य संपादित करुथिले। प्रश्न पंदर, केउं समय बेलकु व्यवसायी मानंकु अर्थ ऋण प्रदान एक स्वतंत्र व्यवस्था रे परिणत होई सारिथिला। उत्तर, प्रारंभिक मध्ययुगर द्वितीय पर्याय बेलकु। प्रश्न षोहळ, प्रारंभिक मध्ययुगरे प्रसिद्धि लाभ करिथिबा सार्थवाह कहिले कौन बुझ। उत्तर, सार्थवाह जणे नेतृस्थानीय बणिक थिले। प्रश्न सतर, प्रारंभिक मध्ययुगरे सार्थवाहक मुख्य कार्य कौन थिला। उत्तर, से रम्य द्रव्य पूर्ण जान गुड़िक नहीं दूरवर्ती स्थान को यात्रा करुथिबा बणिक मानक नेतृत्व प्रदान करुथिले। प्रश्न अठर, प्रारंभिक मध्ययुगरे सार्थवाहक केतेक विशेष गुण कौन थिला। उत्तर, से दूरवर्ती गंतव्य पथ गुड़िक सह सुपरिचित थिले। से विभिन्न अंचलर
କଥିତ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିନିମୟ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 19। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ପରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିନିମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20। କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିନିମୟର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର କୃଷିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ବଳକା ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।